इंद्री नगर पालिका का चुनाव सर्वसम्मति से आज संपन्न हो गया। वार्ड नंबर 1 की शिवानी गोयल को निर्विरोध चेयरमैन चुना गया। वे वार्ड नंबर 11 के गुरु इकबाल सिंह को वाइस चेयरमैन बनाया गया। इंद्री के 13 पार्षदों में से 12 पार्षद मौके पर मौजूद रहे। इस चुनाव को शांतिपूर्वक करवाने के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया था। इंद्री SDM प्रदीप कौशिक ने पूरी चुनाव प्रक्रिया को करवाया। इस दौरान राज्य मंत्री करण देव कम्बोज भी मौके पर मौजूद रहे। निर्विरोध चुने जाने पर शिवानी गोयल ने पत्रकारों से बात करते हुए इंद्री नगर पालिका क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विकास कार्यों में कोई कमी ना होने देने की बात कही। इंद्री में जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं इंद्री को नवीनीकरण करने के लिए, उसके लिए मैं अपने सभी शहरवासियों की तरफ से मंत्री जी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने हमारे इंद्री को इतना आगे बढ़ाया। और अब मेरी अपनी हार्दिक इच्छा यह है कि हमारी इंद्री नगर पालिका हरियाणा प्रांत में सबसे ऊपर स्थान पर रहे विकास के मामले में। मैं चाहूँगी कि हमारे मंत्री जी, SDM साहब और हमारे सेक्रेटरी साहब हमें समय समय पर गाइड करते रहें, क्योंकि मैंने तो अभी मीटिंग में भी यही कहा कि हम सब फ्रेशर्स हैं, तो हमें इनके गाइडेंस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ये हमें बताएं कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, और हम सभी पार्षद भाई बहन इनके सहयोग से अपनी इंद्री को सबसे आगे पहुँचाएंगे। मैं तो यही चाहूँगी कि मेरे डैडी जी भी कुछ कहें इस मौके पर, ताकि मेरे को भी अच्छा लगे कि उन्हें मंत्री जी से कितना सहयोग मिला, कितनी उन्होंने दोस्ती को, डैडी जी की दोस्ती के लिए हमें मार्गदर्शन किया सारे इलेक्शंस में। लेकिन मेरे डैडी जी है कहाँ? मेरे शहर का विकास, मैंने तो पहले भी यही कहा है कि मैं हमेशा यही चाहूँगी कि मेरी इंद्री कहीं से कम ना रहे, हमेशा हरियाणा राज्य के प्रथम स्थान पर रहे विकास। वही राज्य मंत्री करण देव कम्बोज ने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को बधाई देते हुए कहा कि वो बिल्कुल निष्पक्षता के आधार पर शहर में विकास कार्य करवाए, विकास कार्यों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। आज बहुत ही खुशी की बात है कि पिछले दिनों जो नगर पालिका इंद्री के चुनाव हुए थे नगर पालिका के, आज नगर पालिका के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का, प्रधान और उप प्रधान का आज डेट तय की गई थी, आज उनका निर्वाचन होना था। तो हमारे सभी MC ने 13 में से 12 MC बैठ करके और सर्वसम्मति से, मैं कहता हूँ कि ये इंद्री नगर के लिए एक बहुत ही अच्छा संदेश है कि सबने मिलजुल करके बैठ करके और एक मत होकर के सर्वसम्मति ने से फैसला लिया। और चेयरमैन के लिए जो प्रधान पद के लिए जो है शिवानी गोयल, जो हमारी वार्ड 1 नंबर से MC है, उसको निर्विरोध जो है सबने जो है ना समर्थन दिया और उसको जो है ना आज अपना चेयरमैन चुना है, चेयरपर्सन चुना है। इसी प्रकार से वाइस चेयरमैन के लिए, उपप्रधान के लिए, जो 11 नंबर से हमारे एक नौजवान साथी गुरुकपाल जी जो वहाँ से निर्वाचित हुए थे, उसको वाइस चेयरमैन के लिए सबने सर्वसम्मति से आज चुन करके। और मैं कहता हूँ कि ये बहुत अच्छा संदेश है, सारे मिलजुल करके नगर के काम में अपनी अहम भूमिका अदा करेंगे अपने अपने वार्डों में। और ये सबसे बैठ करके जो बात हुई है, मैंने सबसे कहा भी है कि सब आप अपने वार्ड के सब जो है ना चेयरमैन, आप अपने वार्ड में सब खूब जोर लगा करके काम करें, और जो भी कोई सरकार की तरफ से मदद की आवश्यकता पड़ेगी उसके लिए मैं बैठा हूँ, पूरी मदद आपको कराऊंगा। और सभी वार्डों में इंद्री का चहुमुखी विकास हो, इंद्री में ज्यादा से ज्यादा विकास के कार्य हो, तो उसके लिए जितने भी पैसे की जरूरत पड़ेगी वो जो है ना सुविधाएं यहाँ हम सारी जुटाएंगे और सब मिलजुल करके जो है ना इंद्री नगर का ठीक प्रकार से, इंद्री में ज्यादा से ज्यादा विकास के कार्य हो, ज्यादा से ज्यादा हमारा ये छोटा सा नगर है, ये पूरा हरियाणा में मैं तो कहता हूँ कि नंबर 1 पे आना चाहिए, तो सब मिलकर के इसके लिए प्रयास करें। इंद्री से मेनपाल कश्यप की रिपोर्ट।